निरंकारी मिशन के चौथे गुरुवार निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज का कनाडा में सड़क हादसे में निधन हो गया। बाबा ने 27 अप्रैल 1980 में अपने पिता के देहांत के बाद गद्दी पर बैठे थे। बाबा की 3 बेटियां हैं और इस हादसे से 11 महीने पहले ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी पंचकूला निवासी अवनीत सेतिया से की थी। हादसे के वक्त दूसरे दामाद संदीप कार ड्राइव कर रहे थे, जो गंभीर रूप से घायल हैं। जानिए बाबा से जुड़ी पूरी कहानी। वर्ष 1980 से अब तक बाबा हरदेव सिंह ने देश व विदेशों में मिशन का प्रचार किया व समाज सेवा के जुड़े कई कार्य किए। वे बहुत मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी भी इनका कोई विवाद सामने नहीं आया। बाबा खुद भी ब्लड डोनेशन करते थे और उनकी पत्नी भी। यही वजह है कि एक रिकॉर्ड है कि एक दिन में 70,000 लोगों ने निरंकारी कैंपों में रक्तदान किया है। बाबा साफ सफाई के काम में भी कभी पीछे नहीं रही। वे खुद भी गंदगी साफ किया करते थे। पिछली 3 पीढ़ियों से इनका परिवार निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ है। पहले फॉलोअर की संख्या लाखों में थी, फिर पिता के निधन के बाद जब बाबा हरदेव सिंह जी ने गद्दी संभाली तो इनके सामाजिक कार्यों के कारण पिछले 2 दशक में फॉलोअर की यह संख्या करोड़ों में पहुंच गई। बाबा की इन्हीं खूबियों की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां इनकी प्रशंसक थी। वे किसी पार्टी विशेष के दौर पर नहीं जाने जाते थे। 23 फरवरी 1954 को बाबा हरदेव का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटियाला में YPS से हुई। बाद में दिल्ली के संत निरंकारी कॉलोनी में रोसरी स्कूल और ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। 1929 में रावलपिंडी से हुई थी मिशन की शुरुआत। इसे सहजधारी सिख बाबा दयाल सिंह ने शुरू किया था। 1971 में उन्होंने निरंकारी सेवा दल ज्वाइन किया। 1975 में फरुखाबाद की सविंदर कौर से शादी की थी। सविंदर निरंकारी संत समागम की मेंबर थी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।